जाबूपुरा गांव में एक बार फिर से हंगामा बरप गया। दरअसल कुछ हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो यहां पर पहुंचे और सीमा हैदर के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया। इस वक्त गांव वालों ने हालांकि उनको खदेड़ दिया, लेकिन हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष के साथ वो तीन महिलाएं हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। क्या वजह है और क्या चाहती हैं आप लोग? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि सीमा हैदर पाकिस्तान जानी चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर की वजह से आज जो बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, जो सीमा हैदर की वजह से मंदिर टूटे हैं, जो सीमा हैदर की वजह से 30 लोग अगवा कर लिए गए हैं, तो भाई मैं नहीं चाहती कि सीमा हैदर की वजह से किसी भी बच्चे को, किसी भी सनातनी को कोई पीड़ा पहुंचे। आपने जो ये पोस्टर लिया है कि पाकिस्तानी हिंदू वहां मर रहे हैं, हमारी एजेंसियां उनको एंट्री क्यों नहीं दे रहे, ये सवाल जो आप उठा रहे हैं, क्यों एंट्री दिलवाना चाहते हैं आप, ये कैसा सवाल है? नहीं तो ये मेरे को एक बात बताओ, सीमा को एंट्री क्यों दी? सीमा किस लिए आई? सीमा को कौन लाया? किसका हाथ था इसके पीछे? कौन सी सरकार का हाथ था? कौन से नेता का, अभिनेता का हाथ था? ये मुझे बताया जाए। आखिर सीमा क्यों आई, कैसे आई? एक सीमा मामूली सी औरत, अनपढ़ औरत, चार सीमाएं पार कर कर आ गई, कैसे पहुंच गई भाई? बताओ मुझे सवाल का, मेरी का जवाब देना दो लोग कि कैसे वो आ गई। एक जो कहती मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और बेबाकी से बोल रही है, और वो फिलहाल जांच चल रही है और उससे लगातार पूछताछ चल रही है, ऐसे में इस तरीके से आप जो जांच एजेंसियों को लेकर के सवाल उठा रही है, आपको नहीं लगता कि ये गलत? नहीं, मैं गलत नहीं कर रही हूँ। मेरा मन दुखा जब मेरे मंदिर तोड़े गए, मेरा मन दुखा जब 30 बच्चों का अगवा किया गया। मंदिरों के बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर तोड़े, पाकिस्तान में 30 हिंदुओं को अगवा कर लिया गया, पाकिस्तान में एक बेटे की, हिंदू की जमानत होनी थी, जमानत रद्द कर दी। क्यों? एक सीमा की वजह से मैं कितनी सीमाओं को बलि पे चढ़ा दूं? मैं कितनी सीमाओं की बलि दे दूं भाई? मैं कितने हिंदू बच्चों की बलि दे दूं? मैं नहीं दे सकती। मैं एक सीमा वापस जानी चाहिए, बिल्कुल एजेंसियां अपनी जांच करें और सीमा को वापस भेजें। आप ये जो पोस्टर लिए, हिंदुस्तान में पाकिस्तानी गद्दारों की जगह नहीं, ये क्या कहना चाह रहे हैं इससे आप? पाकिस्तानी ने हमारे संग बहुत बुरा करा, हमारे बड़े बूढ़े इनकी गेल, ठीक है, तो हम उन्हें पाकिस्तान, हिंदुस्तान में ना रहने चाहते। आप चाहते हैं कि सीमा को वापस भेज दिया जाए? हाँ, सीमा को वापस भेज जा। 15 अगस्त आने वाली है, 15 अगस्त आने वाली है, कब कोई हमला हो जाए कुछ पता ना, ठीक है? आपको डर है कि कुछ हमला हो सकता है? मैं तो 24 घंटे डर है, जब तक सीमा यहाँ पे हमें डर है। आज सीमा को यहाँ रखा जाएगा, याद रखना, कल को और भी सीमाएं सीमा लांग कर आएंगी, उनको भी नागरिकता दो, वहां से और भी भाई आएंगे, मुसलमान लड़के आएंगे, उनको भी नागरिकता दो। सीमा हैदर है, सीमा को वापिस वहीं पाकिस्तान सीमा पार छोड़ के आना चाहिए। एक पोस्टर आपने लिखा है कि अगर सीमा पाकिस्तान से आ सकती है तो कसाब भी आ सकता है, सलमान भी आ सकता है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा? जब सीमा एक अनपढ़ औरत इतनी सारी सीमाएं लांग कर आ सकती है तो कोई भी आ सकता है, कोई भी टेररिस्ट आ सकता है, और वैसे भी अब 15 अगस्त आ रहा है तो हमारी सुरक्षा को लेकर काफी सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं। आप किसी संस्था से जुड़ी हैं, कहाँ से जुड़ी हैं? अचानक से सीमा हैदर के घर पहुंची और वहां से जिस तरीके से आप लोगों को वापस जाने के लिए बोला गया, बेसिकली खदेड़ा गया, तो ऐसे में आगे खदेड़ा नहीं गया, हमें खदेड़ा मत नहीं गया, ये आप गलत मत बोलो। हम बदतमीजों से बात नहीं करना चाहते, जो शराब पीकर हमारे ऊपर बिल्कुल बदतमीजी कर रहे थे, वो हमसे आधार कार्ड, हमें कह रहे थे कि हम मतलब पाकिस्तान से आए हैं, हम यहाँ के जन्मे पले, हमारा यहाँ की धरती, हमारी भारत माता, हमें कह रहे हम पाकिस्तानी है, शर्म आनी चाहिए। कौन कह रहा था? हमें कह रहे थे ये जो सीमा के समर्थन के, सीमा के गांव के लोग कह रहे थे, मतलब ये अपने आप को ठुकराइन, अरे ठुकराइन के साथ औकात है किसी की सीमा को मिलाने की? ठुकराइन को जानते, ठुकराइन कौन थी? जौहर कर गई थी, मर गई थी गैर मर्द के हाथ लगाने पर। ये ठुकराइन नहीं हो सकती जो किसी और मर्द के, अपना मर्द छोड़ के चार बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। ये प्यार, इसको प्यार कहते हैं आप लोग? मैं हवस आइए, बिल्कुल सीमा पार जानी चाहिए, पाकिस्तान इसको फेंकना चाहिए, हमारी बला से पाकिस्तान इसको कबूल ना कबूल है हमारा वो मैटर नहीं। हमारा, मेरा एक ही एजेंडा है, मेरा भारत सुरक्षित होना चाहिए, मेरे भारत की बच्चियां सुरक्षित होनी चाहिए, मेरे भारत का नागरिक सुरक्षित होना चाहिए, मेरा सीमा से कोई मतलब। तो ये तीन महिलाएं हैं जो अभी से कुछ देर पहले राघोपुरा गांव में सचिन का जो गांव है वहां पर अंदर चली गई थी और इनको वहां से फिर वहां गांव वालों ने बाहर गांव से निकाल दिया। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये कह रही थी और सीधे तौर पर सवाल उठा रही थी कि सीमा को किसी भी सूरत हाल में भारत से पाकिस्तान भेज देना चाहिए, वो जिस तरीके से तमाम उस पे सवाल उठ रहे हैं उसको देखते हुए, लिहाजा इनका सीधे तौर पर यही कहना, और ये सभी तीनों महिलाएं जो हैं वो किसी हिंदू संगठन से जुड़ी हुई हैं और लगातार इनका यही कहना है कि सीमा जिस तरीके से सरहद को पार करके आई है वो कहीं ना कहीं कई सारे सवालों को खड़े करता है। कैमरामैन सुनील के साथ ऋतु रोनी, टीवी 9।